11 इंग्लिश मैं आपको बता रहा हूं एप्लीकेशन फॉर सिक लीव मैंने बीमारी के कारण छुट्टी की एप्लीकेशन मैं आपको यहाँ पर लिखा रहा हूँ, ठीक है। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, LEA लीव, ठीक। सबसे पहले हम प्रिंसिपल को संबोधित करते हैं, पी एड्रेस टू प्रिंसिपल टू द प्रिंसिपल, ठीक। आपको यहां पर क्या करना है, स्कूल का नाम लिखना है, ठीक है। तो मैं स्कूल का नाम यहां पर लिख देता हूं, LNY हायर सेकेंडरी स्कूल रांची जबलपुर, ठीक है। फिर यहां पर डेट डाल दीजिए आप, डेट आज कितनी है, 9/12/2020, ठीक। इतना आपका एक मेन रेटर रह जाता है। फिर इसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना रहता है, सब्जेक्ट मैं यहां पर लिख देता हूं एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, ठीक है। सिक लीव की हम एप्लीकेशन यहां पर लेके चलते हैं, ठीक। हम यहां पर लिख देते हैं रिस्पेक्टेड मैडम, अगर आपके प्रिंसिपल सर हैं तो यहां पर सर कर दीजिए, अदरवाइज ये आप यहां पर मैडम का यूज कर सकते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर पहले अपन रिस्पेक्ट देते हैं, तो ये मैं क्या करूं, रिस्पेक्टफुली That I am, अपना नाम लिख दीजिए, ठीक है। Student of class, है ना, क्लास का नाम लिख दीजिए, सेक्शन लिख दीजिए, ठीक। I am suffering from fever, कब से है वो आप लिख दीजिए, since last night, ठीक है। मैंने ये बता दिया, ठीक, कब से प्रॉब्लम है। डॉक्टर हैड एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट फॉर 4 days, डॉक्टर ने मेरे को 4 days के लिए रेस्ट लेने के लिए बोला है, ठीक। देयरफॉर आई
काइंडली ग्रांट मी लीव, इसलिए मुझे लीव फ्रॉम, जिस जिस डेट की आपको छुट्टी चाहिए उस डेट को आप यहां से यहां तक लिख दीजिए, ठीक है। Therefore, I am unable to attend the school. Kindly grant me leave from this. तो यहाँ पर आपकी करेंट डेट आ जाएगी और ये लास्ट डेट आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंटिन्यू में, थैंकिंग यू, यानी आपका बहुत बहुत तो थैंकिंग यू, यहाँ पर योर्स आएगा, योर्स ओबीडियंटली, यहाँ पर आपका नाम, क्लास, सेक्शन आएगा, ठीक है। योर एमिडेंटली यानी आपका आज्ञाकारी शिष्य, ठीक, अपना नाम, क्लास, सेक्शन लिखिए, यहाँ पर आके जबलपुर और डेट डाल दीजिएगा, ठीक है। इतना फॉर्मेट इम्पोर्टेंट है, ये वाला फॉर्मेट हमेशा याद रख लीजिए, आपको इन फ्यूचर हर जगह काम आता है, स्कूल में भी, आगे चल के जॉब में भी, कॉलेज में भी, सब जगह इसका यूज होगा।